होगा कुछ नहीं होगा छे देख के लौड़ा यार उठा के रखवाना उठवा के आराम से। और एक और खुशखबरी दोस्तों, इसने अपना दूसरा अंडा भी दे दिया है, नीचे पड़ा हुआ इसके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, काफ़ी देर से कि व्लॉग स्टार्ट करूँ पर मेरी हिचकियाँ नहीं रुक रही थी। हर थोड़ी देर बाद पता नहीं कौन याद कर रहा है। खैर सब कहने वाली बातें, याद कोई भी नहीं कर रहा, स्टमक प्रॉब्लम होती है ये। खैर दोस्तों, तो आज यार काफ़ी काम है, क्योंकि आज जो है नीचे भाई से मैंने बात करी तो उन्होंने बोला यार नीचे जो हमारा सेटअप है ना वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है और बंद हो जाती है बिल्कुल गली। तो मैंने बोला बच्चे जो हैं हमारे कंधारी और असील के वो ऊपर क्यों ना ले आए जाएँ। तो मैंने भाई को बोला, उन्होंने बोला ठीक है फिर ऐसा कर लो। तो आज उनको ऊपर शिफ्ट करना है हमने, और देखेंगे क्या पता पिंजरा वगैरह भी ऊपर ही ले आएँ, तो वो तो अभी नीचे आके पता चलेगा। खैर सबसे पहले हमने अभी ये काम करना है, हमने कॉकटेल जो है हमारा उसके अंडे निकाल के चेक करने हैं और दोस्तों फेंकने हैं, क्योंकि ख़राब हो गए होंगे अंडे जितना मेरा अंदाज़ा है, और मेरा अंदाज़ा तो यही है ख़राब हो गए होंगे। खैर चलें जल्दी से निकालते हैं और उन्हें देखें क्या है, बच्चे बने थे या नहीं। चलो भाई हम चढ़ गए अपनी मंजिल पर। मैं शायद रखूँगा मैं कि मेरे कॉकटेल ने फर्स्ट अंडे ख़राब कर दिए थे। दोस्तों मैं खोलता हूँ जल्दी से, खुल गया आखिरकार काफ़ी मेहनत के बाद। चल भाई अंदर ही गिरा रहे, कहाँ हैं दोनों दोस्तों? दोनों के दोनों ऊपर बैठे हैं। मैंने बड़े एहतियात से हाथ डालना है, हट जाओ वे, काटियो मत भाई वे, इसमें तो हाथ ही नहीं आ रहा। बड़ा छोटा है भाई, इधर से डालना पड़ेगा, इसमें से भी नहीं जाएगा, किसी अकलमंद ने डाला है भाई, मेरा हाथ ही नहीं जा रहा भाई। हंडी का मुंह छोटा है बहुत, मेरा हाथ ही नहीं जा रहा है अंदर। मैंने बोला शायद पतला हाथ है चले जाएगा आराम से, नहीं भाई फंस रही है, ये जगह फंस रही है मेरी, ये जो ऊपर की जगह होती है हमारी, तो ऊपर से भी कैसे डालूं हाथ वो भी नहीं जा पा रहा, तो मुझे खोल के डालना पड़ेगा। और खोल के डाला मैंने पूरा गेट, तो दोस्तों एक साइड से ऐसे निकलेंगे कि किसी के अच्छों के हाथ नहीं आएंगे। नहीं भाई दोस्तों, मैंने सीधा हाथ भी डाल के चेक कर लिया, बड़ी मेहनत के बाद नहीं निकले। अब मुझे अमदा के साथ ही निकलवाने पड़ेंगे कि वो एक तरफ से गेट पकड़े मैं दूसरे तरफ से निकालूँ। खैर दोस्तों अब नीचे चलते हैं और अपने जो कंधारी और असील बच्चे हैं हीरा के, उनको ऊपर लाते हैं और देखते हैं कि पिंजरा भी ऊपर लाना है क्या करना है। तो मैं नीचे आके चेक करता हूँ कि उन लोगों का क्या प्रोग्राम है, फिर उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो इसको क्यों ले आ रहा? इसी को छोड़ना, तो इसको थोड़ी छोड़ना है, मैं तो समझ रहा हूँ बच्चे बोल रहा था मुझे। वो भी नन्ना हालत रे, क्या हुआ? अच्छा जी भाई प्रोग्राम चेंज हो गया है, यहाँ पे भाई ने बोला है कि उसको उन बच्चों को तो कर देंगे लेकिन पहले इनको कर देते हैं ऊपर वाले बड़े पिंजरे में शिफ्ट, छोड़ दें। चलो भाई आ गए दोस्तों हीरा हमारे छत पे, और कोई ना कोई इनके हाथों से आ जाए होंगे। भाई ने बोला है कि इसको भी ऊपर ले जाओ हीरा को, और जो दो मादियां हैं उनको हम जो शिफ्ट करेंगे दोस्तों वो इस वाले में करेंगे ऊपर की तरफ शिफ्ट, क्योंकि ये बड़ा है तो ये आराम से रहेगा खाने में, और नीचे इनकी ग्रोथ काफ़ी रुक रही थी छोटे पिंजरे की वजह से, काफ़ी मुश्किल लग रही है। तो फिरने दो, वो भी लिया यार इसकी मादियाँ जो है बंदा, इसकी मादियाँ लेकर आ रहा है और ये अब शिफ्ट होगी दोस्तों यहाँ पर, और बच्चों का भी देखते हैं क्या करना है, उनका पिंजरा भी ऊपर ही ले आएंगे आज दोस्तों। गलवा मुर्गी आ गई हमारी, ले भाई दोस्तों दो मुर्गियाँ और आ गई, हमारा पूरा वाइट का पेयर ये था, एक वाइट तीन मुर्गियाँ ये वाली, और एक मुर्गी जो है वो अंडों पे बैठी हुई, वो बहुत अच्छी मुर्गी है, तो क्योंकि उसने अंडे दिए हैं भाई और वो अंडों पे बैठी है इसलिए वो अच्छी है। खैर तो ये तो ऊपर आ गए, अब थोड़ी देर खुले रहेंगे, अब हम जाके कंधारी और उनका सेटअप बनाएं कि उन्हें कहाँ शिफ्ट करना है और कैसे करना है, तो वो हम थोड़ी बातचीत कर लें फिर उनको लाते हैं ऊपर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये देखें ये ऐसे आए, और इसकी हाइट की वजह से इनका कद भी नहीं झुकेगा ना इनको परेशानी होगी, तो हमारे हीरा के लिए तो ये बेस्ट है पिंजरा बिल्कुल, नहीं हम बिल्कुल बेहतरीन है, चारों के साथ आ गया। बल्कि मैं बोलता हूँ एक और मादी भी छोड़ देना, वो भी आ जाएगी और दो तीन और आ जाएंगे, इतनी जगह है स्पेस है इसके अंदर, और इसका कद भी नहीं दबेगा इससे। खैर और बाकी दोस्तों हम इंदा और मैं ये जगह हटा रहे हैं, खाली कर रहे हैं, हमारा प्लान ये बना है कि यहाँ पे उस पिंजरे को रख देंगे, क्योंकि यहाँ धूप भी नहीं आती है और सुकून से रहेगा पिंजरा, और इसको ना हम शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पे, पूरे खाना दाना पानी इनका जो भी होगा। दोस्तों जगह बिल्कुल क्लीन कर दी है, थोड़ी सफाई भी कर दी यार मैंने, काफ़ी गंदा हो गया था, और ये जगह देखें यहाँ पे बिल्कुल सेट हो गया, ये आराम से आ गया, यहाँ पे अब सेफली आ जाएगा हमारा जो पिंजरा है। अभी चलते हैं नीचे और उनका पिंजरा समेत उनको लाते हैं ऊपर।
चलो छोटू पीछे से हट जा। ये किधर है अम्मा? हाँ जाने दे। ये किधर है? मैं भाई ये बड़ा परेशान करता है मुझे, दोस्तों ये जाने नहीं देगा चीज, और इसके ऊपर पिंजरा गिर जाएगा ये। बस जाने दे दोस्तों, ये मैं ऊपर रख कर आता हूँ। हमने अकेले थमा दिया मेरे हाथ में, मैं इसको ऊपर रख कर आता हूँ, फिर उस वाले को हम ऊपर एक साथ लेंगे। टाटा। अरे भाई यार हमजा ने पागल बनवा दिया, मुझे बोला अकेले ऊपर ले जाइए, जो बड़ा पिंजरा यहाँ रखा था बोला हल्का सा तो है यार, भारी था, और खुद मुर्गी लेकर आया काली, बोला मैं रख कर आऊंगा। खैर ले गया भाई जैसे तैसे। और दोस्तों ये आप लोगों को पता है अकेले बस की बात नहीं है, ये तकरीबन दो बंदे ले जाएंगे, तो हमजा को बुलाया है, अब हम इसको ऊपर लेके चलते हैं, फिर इसको सेट करते हैं, और आज हमारा ये काम ख़त्म हो जाएगा। नीचे से जितना सेटअप है ना दोस्तों, वो सारा ऊपर चले जाएगा। इसको जो है हम अभी नहीं छेड़ सकते दोस्तों, आपको पता है मुर्गी जो है वो अंडों पे बैठी हुई है, तो इसको छेड़ेंगे तो वो उड़ जाएगी। इनको छोड़ कर आ जाओ अंडा, ये इन दो को नीचे छोड़ो और इन दो को ऊपर ले जाओ। हाँ हाँ हाथ में रख बस। फिर ये कोई बात नहीं, इसने मुझे भी पहले ऊपर करवा दिया था, अभी भी इसने मुझे ऊपर करवाया है, मैं फंस जाता हूँ। अगर तू तो मेरे ढक गया था भाव दे, कुछ नहीं होगा तू तो। जाने से क्या करेगा? जाने। मैं रखूँ। भाई हालत देखो पसीनों में, इसको थोड़ा धूप लगवा दें यार, ताकि इसके जरा सी में अंदर गंदगी वगैरह सब मर जाएगी, तो इस वजह से इसको ऊपर ही रख दिया है, थोड़ी देर बाद इसको हम वहाँ पे रख देंगे। दोस्तों ये रहे हमारे असील हीरा की जो ब्रीड थी माशाल्लाह से, आज आप लोगों को दिखाऊँ, काफ़ी दिनों बाद दिख रही होगी, काफ़ी माशाल्लाह से भारी बच्चा है ये, ये देखें छः, देख के लड़ रहा यार, अभी भी इनसे लड़के बैठे हैं दोनों बच्चों से, इन दोनों से ये लड़के बैठा है, थोड़ा सा हमने बोला इसको एक इनकी जो होती है गर्मी गुस्सा वो निकलवा दें तो सेट हो जाएगा। खैर दोस्तों मैं उस पिंजरे को साफ कर रहा था यार, जब तक ये भाई ले आए थे इनको असील वालों का हमारे, वो रही मादी इसके साथ वाली, तब तक मैंने उसको साफ करा, अब उसको डिटॉल वगैरह का स्प्रे कर रहे हैं भाई, ताकि कोई अगर जरासीम वगैरह भी हो तो वो ख़त्म हो जाए, तो डिटॉल का स्प्रे करके उसमें भी और इसमें भी इसको फिर हम दोनों को सुखा के फिर यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, और इन लोगों को भी अभी फ़िलहाल इधर ही शिफ्ट कर देंगे, फिर जो दूसरा पिंजरा आएगा उसमें इनको अलग शिफ्ट कर देंगे। दोस्तों ये रहा कंदारी, अब नर मादा का यार मुझे इनमें अभी फ़िलहाल नहीं पता इतना कि कौन सा नर था कौन मादा, पर थोड़ी इनकी हालत ख़राब हुई है, क्योंकि दोस्तों पिंजरे में गंदगी आपको पता होती है, और ये खुल नहीं पाते थे नीचे, मैंने दिखाया था नीचे इतनी जगह नहीं है खुलने की, इस वजह से अंदर रह रहे के बेचारे काफ़ी गंदगी में हो गए थे, अब इंशाल्लाह खोलेंगे तो ये सेट हो जाएंगे। हटो, लड़े जा रहे हैं दोस्तों, इसको इसमें रख दिया जाल में, वो जो टिकना है ना वो इससे लड़े जा रहा है के, ये देखें फिर आ गया, वो अपना फेस ख़राब कर लेगा अगर इसके ज़रा भी लग गई, उन्होंने तो अपना फेस पहले ही फाड़ लिया हल्का, तो देखा ये देख नाक पे लग गई, थोड़ा काम तुम लोग भी करो, मैं तो सुबह से लगाऊँ, उठा के रखवाना, उठवा के आराम से, क्या ये पिंजरा थोड़ा आगे करवाओ, नहीं 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 सही है, वो इधर आ जाएगा, खड़े बहुत है इतना गैप मत करो भाई, ये सेट है अभी, उसको वो ऊपर आएगा इसके, इसको हिलाना मत, अब वनडो पे बैठी हुई है, वो अगर उड़ गई ना मुसीबत है। लो भाई हमने ले आया दूसरा पिंजरा, काम करो काम, और ये रख दिया दोस्तों दूसरा पिंजरा। मैं थक गया था भाई, मैंने बोला इन लोगों को अब ये लोग काम करें थोड़ा, और मेरी हिम्मत नहीं थी भाई, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है दोस्तों, इसको ना हमारे बड़ी खुजली है, चलो चलो उधर है दोस्तों, आज यार बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि वो नीचे का सेटअप ऊपर आ गया, ये देखें एक जो है ये पिंजरा आ गया, इसको यहाँ सेट कर दिया है, बाकी सारे अभी मेल जोल कर रहे हैं, एक दूसरे के सर्वर फोड़ रहे हैं और लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं, बाकी यार ये रखते हुए ना हमसे एक थोड़ी सी बदतियाती हो गई भाई से, ये देखें ये अंडों से उठ गया है, तो मुझे ये डर लग रहा है ये उठ ना जाए, बस ये वापसी बैठ जाए अंडों पर, क्योंकि ये एक मरतबा डर के अंडे छोड़ दिए ना तो दोस्तों वापसी अंडों पर नहीं बैठते, वो तो शुक्र है अल्लाह का बैठी भी है। और एक और खुशखबरी दोस्तों, इसने अपना दूसरा अंडा भी दे दिया है नीचे पड़ा हुआ इसके, अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वैसे ही डर रही है वो, तो दूसरा अंडा इसके नीचे ही पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।